हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त दिनेश प्रजापति फ्रॉम वीरभूमि मरुभूमि राजस्थान से। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वक्त मैं आया हूँ बाड़मेर हेडक्वार्टर्स, बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट मेरा पुराना हेडक्वार्टर्स है, और बाड़मेर शहर के अंदर आया हूँ मैं इस ट्रेन के माध्यम से समदड़ी से। तो कुछ काम के हिसाब से आया था, आपको बाहर लेके चलता हूँ, प्लेटफॉर्म का नज़ारा भी दिखाता हूँ और बाहर का शहर का नज़ारा वो भी दिखाता हूँ। तो मेरे YouTube चैनल वैसे ही बने रहें। और आप सभी को राम राम सा, खमा गणी, धरती धोरारी, मीठा मोरारी, और आपने सगला ने सबने राम राम सा। सो गाइस, अभी मैं प्लेटफॉर्म के बाहर उतर गया हूँ। यह प्लेटफॉर्म, यह ट्रेन आई है, रुक गई है। ये पूरा प्लेटफॉर्म का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरे बाड़मेर का। और ये प्लेटफॉर्म है, अभी मैं बाहर आउट हो रहा हूँ, प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहा हूँ। कुछ इस तरह से है, ये गाड़ी भी पड़ी है बाड़मेर बांद्रा टर्मिनल, डायरेक्ट गाड़ी है। ये लोकल गाड़ी है जो जोधपुर से बाड़मेर की ओर आती जाती रहती है सुबह शाम। कुछ इस तरह से पूरा साफ, साफ सुथरा प्लेटफॉर्म और काफ़ी सुंदर नज़ारा गाइस, आप देख सकते हैं। ये बाड़मेर लिखा हुआ है और कुछ इस तरह से उत्तम व्यवस्था भी है पानी की पूरी। और ये देखो ट्रेन है जो भी है यहाँ से, जो निकलती है डायरेक्ट दिल्ली के लिए, यहाँ से वो ट्रेनें खड़ी हैं। अभी जस्ट आ गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और पुल है, पुल के माध्यम से मुझे प्लेटफॉर्म 1, उसके बाद में बाहर निकलना पड़ेगा। सो गाइज, यहाँ से देखिए काफ़ी सुंदर और अच्छा नज़ारा है गाइज, पूरा बाड़मेर प्लेटफॉर्म का बहुत सुंदर है। सो गाइज, यहाँ से देखो ट्रेन, जो ट्रेनें खड़ी हुई, प्लेटफॉर्म का नज़ारा बहुत सुंदर, और पूरे शहर का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। सो गाइस, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ये जो गाड़ी पड़ी है गाइस, ये बाड़मेर से हावड़ा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए जाती है ट्रेन, डेली ट्रेन है। सब प्रतीक्षालय है, वेटिंग रूम है, विश्राम गृह है, और ये जो ऑफिसर्स का है, ट्रेनिंग रूम है। ये स्टेशन मास्टर ऑफिस है, और पास में जो भी छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, पानी की प्याऊ है। प्लेटफॉर्म का काफ़ी कार्य चल रहा है, तो इसलिए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता आगे बंद है मेन। काफ़ी सुंदर स्पेस भी है, पार्सल कार्यालय भी है, यहाँ से पार्सल भी ऑल इंडिया तक जाते हैं। सो गाइस, सामने आप देख सकते हैं पूरा बाड़मेर शहर है, काफ़ी सुंदर है। और ये नगर परिषद है, अपने नगर परिषद बोर्ड है। और अभी बाहर निकल रहा हूँ मैं, ये पूरा शहर आप देख सकते हैं सामने, बहुत सुंदर शहर है। ये देखिए बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का मेन शहर और बाजार, काफ़ी बड़ी बड़ी होटलें हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, बहुत रश रहता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है शहर, और काफ़ी सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, होटल्स वगैरह भी हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं पूरा रेलवे स्टेशन का। सो गाइस, काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट है, और काफ़ी अच्छी यहाँ फैसिलिटी की होटल्स वगैरह भी है, काफ़ी सुंदर है। और ये फ्लैग लगा हुआ आप देख सकते हैं गाइस, ये रेलवे प्रांगण के अंदर है, वहाँ से कार्य प्रगति पर है, इसलिए वहाँ पे बंद किया गया, इसलिए बाहर का रास्ता है, वहाँ से निकालते हैं सबको, पैसेंजर को। सो गाइस, अभी मैं कुछ काम के हिसाब से जा रहा हूँ, और फिर टाइम मिलेगा तो मैं आपको सिटी का जो भी है वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।
नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक चल दिन गुड बाय, खमागणी राम राम सा। शहर का भी वीडियो बनाऊंगा, बाड़मेर का आप तक पहुंचाऊंगा। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ रेलवे का ये प्रवेश द्वार है, ये देखिए चौराहा है। और सामने देख सकते हैं आप रेलवे स्टेशन और फ्लैग। यस गाइस, ये पूरी होटल्स लाइन और पूरी मार्केट है। यहाँ पे सब तरह के जो सामान वगैरह है मिलते रहते। बड़े बड़े मॉल्स भी है, बड़े बड़े होटल्स भी है। काफ़ी सुंदर मार्केट है, आप देख सकते हैं गाइस। जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने ही है।